एक एक सवाल आप पूछते रहेंगे, आज थर्ड लेक्चर है। थैंक यू। ठीक है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करेंगे। जैसे आयुष्मान की डीपीपी नंबर 9 में एक सवाल दिया हुआ है, क्यू एक पी और क्यू आपस में हो गया, एक पे इनिशियल मास, मान लिया एक पी है तो दूसरा क्यू। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, पूरा बना लेगा। जैसे मान लिया सबका ये आर 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 कॉन्फिगरेशन, तो एस एस वाला होगा, इसका क्या हो जाएगा? इनिशियल मास हो जाएगा। मान लिया आर में सब में आर, एफ में आर 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 कॉन्फिगरेशन, इसमें क्या हो गया? एस 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 कॉन्फिगरेशन। जो अपोजिट कॉन्फिगरेशन वाले होंगे इनिशियल मास। सबके चार पेयर बना लो, चार पेयर बना लिया तो पी क्यू हो गया, दूसरा आर और एस हो गया, क्यू एंड वी हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया जो है क्यू आर एस टू यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई कर दो, डब्ल्यू एन एक्स। अब याद रखना ये तो हमेशा आपस में इनिशियल मर्ज, ये क्या होगा इनिशियल मर्ज, ये क्या होगा इनिशियल, ये क्या होगा इनिशियल। अब कैसे बनाएंगे? एक स्कूल उठाइए, सबके साथ आप बनाएंगे, स्कूल उठाया आपने सबके साथ पेयर बनाया, फिर स्कूल उठाया फिर से पेयर बन चुका है क्योंकि आपने इसके साथ पेयर बनाया, फिर आगे वालों के साथ पेयर बनाई, फिर स्कूल उठा के साथ पेयर बनाई, फिर स्कूल उठा के साथ पेयर बनाई, फिर स्कूल उठा के पेयर आया, समझ बन गया आ गया। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो कितना आंसर है? वही आंसर है, कुछ और डायस टीरियो मस्ट डायस टीरियो। पता एक क्वेश्चन ये भी बता दिया था कि आपको मैंने, चलो ठीक आज का क्वेश्चन एक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एक आप डेली पूछ लिया करो, तो हम लोग क्या है कि कुछ पीछे की जो हैं वो दूर जाया करेंगे, तो जो कमियां हैं जो डाउट्स हैं वो दूर जाएंगे। मैंने होमवर्क दिया था आपको, मैंने बोला कि आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बना के लेने हैं और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हाइब्रिड बना लिया तो मैं मान लूंगा कि आपको बनाना आता है, तो आपने बनाया होगा। ये प्लस देखा होगा तो ये लगभग हर थर्ड टर्म पे जाता है ना, ये प्लस चार्ज हर थर्ड टर्म पे जाता है, तो यहाँ से अभी कहाँ जाएगा? ये अगर पहला स्ट्रक्चर है यहाँ जाएगा तो दूसरा स्ट्रक्चर, यहाँ जाएगा तो तीसरा स्ट्रक्चर, यहाँ जाएगा तो चौथा, यहाँ जाएगा तो पांचवा, यहाँ जाएगा तो छठा, यहाँ जाएगा तो सातवां, सात स्ट्रक्चर बन गया। तो हमने सात बना लिया, तो ये हर जगह पे आप डेल्टा प्लस लगा सकते हैं, या एक प्लस सात जगह बिखरा है तो आप 1/7 प्लस भी हर जगह लिख सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी लिखा जाता है कि बीच में सर्कल, एक सर्कल बना के बीच में प्लस लिख देते हैं, मतलब एक प्लस है तो इस रिंग में पूरा डिलोकलाइज हो रहा है और अल्टरनेट पोजीशन पे पाई वन होंगे। पक्का? अच्छा, इसमें आपको बनाएंगे तो आप पांच स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। एक तो प्लस यहीं पर है, एक स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा प्लस यहाँ आएगा तो ये बनेगा, तीसरा प्लस यहाँ आएगा तो अगले यहाँ बनेगा, चौथा ये बनेगा, पांचवा जब रिपीट होकर वापस आएगा तो अलग स्ट्रक्चर होगा। उसमें ये पहला और आखिरी जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन सेम होती है। जब किसी साइकिल में ऑड नंबर ऑफ आइटम होता है तो पहला और आखिरी सेम होता है, लेकिन किसी में इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम होता है तो पहला और आखिरी अलग लगा। आप मतलब ये तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ट्रिक है, कई सारे एग्जाम क्वेश्चन को बनाने के बाद है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा इसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप जल्दी से इसे पे कर लिया, ठीक है। ऐसे इसमें आपको बनाना था कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें पांच, यहाँ आइटम पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं या 1/5 नेगेटिव दिखा सकते हैं या सेंटर में एक नेगेटिव दिखा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आपसे पूछ सकता है इसमें आपने कितने स्ट्रक्चर बनाया, आपने ट्राई किया था, ट्राई किया तो मैं बता दूं एक बार। ऐसे सुनो, आप ऐसे बनाइएगा, सबसे पहले ये जो प्लस चार्ज इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड 2 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर माइनस हो, ये प्लस बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर प्लस दिखे, एक स्ट्रक्चर तो ये है बेटा। दूसरा जब प्लस यहाँ आएगा फिर ये प्लस क्या करेगा, इस बॉन्ड को खींचेगा और ये बॉन्ड आगे बढ़ेगा, यहाँ पर प्लस आएगा तीसरा स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो चौथा स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो पांचवा, फिर अगले बार जब प्लस यहाँ आएगा तो छठा स्ट्रक्चर होगा, उसमें इस रिंग में बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। इसका छठा स्ट्रक्चर जब आएगा तो अंदर बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, जो है चेंज होगी, और वापस अपनी पुरानी जगह आएगा तो भी बॉन्ड के अंदर पोजीशन चेंज होगी। तो या तो चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही हो या तो बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही हो, उनको हम अलग स्ट्रक्चर मानते हैं। साथ बनाऊं या बना लेंगे आप, तो बन जाएगा ना, अगर नहीं बनता है तो आप उसे पूछ, ठीक है। मैं डाउट टाइम आपको शाम को, इस वीक थोड़ा बिजी हूं, मैं इस फर्स्ट वीक तक बिजी रहूंगा, इसके बाद जनवरी से लेकर ऑनवर्ड जब तक आपका नहीं होगा, शाम को मैं हर वीक में एक या दो लेक्चर शाम को यहाँ बैठूंगा, फुल टाइम डेढ़ घंटे पूरे लेक्चर में एक प्रकार से शाम का टाइम रहेगा, उसमें मैं बैठूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन सॉल्व करिए, डाउट जो है यहीं पे, ठीक है। कुछ टारगेट बना लेंगे कि ये हमें सॉल्व करना है आज, और इसके क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछ, वो बाहरी क्वेश्चन भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे बाहरी भी। इसमें आपने ये बना लिया होगा, वैसे तो ये पूछा था जे एडवांस में, पूछा था ये क्वेश्चन, ये जे एडवांस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, बस यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ओ माइनस था, फिनॉल का फिनॉक्साइड आया था, ठीक है। जे में ये भी पूछा गया सवाल था, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो इसमें भी अगर आप बनाएंगे कितना बने आप लोगों ने, कितने लोगों के 7 बने हैं, कितने लोगों ने 8 बनाए हैं, कितने लोगों ने 9 बना रखे हैं, कितने लोगों ने ट्राई नहीं किया, हाँ तो ट्राई ईमानदारी से तो पता चले, अच्छा हाथ पूरा उठाइए, अच्छा कितने लोगों ने 5 ही बना रखे हैं, आपने ट्राई नहीं किया तो हाथ नहीं उठाया, ट्राई में भी नहीं हाथ उठाया, हाँ कितने बने आंसर बताइए, क्या चीज पता, इसके साथ नहीं और बनेंगे, तो मैंने कहा था एक बार आपको ट्राई करना था, तो याद रखना या तो अंदर बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो उनको अलग स्ट्रक्चर बोला जाएगा, या तो जो है चार्ज की पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैं आपके एग्जाम में ये जेई में एक बार पूछा जा चुका है, तो अभी क्वेश्चन मार्केट में आ चुका है, तो जो पेपर बनाने वाला सेटर है अभी क्वेश्चन घूम रहा है, तो कोई भी पेपर सेटर इस क्वेश्चन को आपसे, क्योंकि इसका आंसर वेरीफाई हो चुका है, इसके आंसर कोई क्लेम नहीं है, क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है जो वेरीफाई, इसके टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव चार्ज, मोनो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज वाले टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने, मतलब सब में एक प्लस दिखे, तो नहीं मैं बता दूं कैसे बनेगा,
बनाना चाहता था, एक बार ट्राई करें। अब नाइन बनाऊंगा तो समय लगेगा, एक बार हवा में बना के दिखाता हूँ, समझ में नहीं आएगा तो मैं इसे जमीन पे बना दूंगा बोर्ड पे। एक तो यही है पहला स्ट्रक्चर, फिर ये स्पाइक बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा तो यहाँ जाएगा दूसरा स्ट्रक्चर, फिर ये स्पाइक बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा तो तीसरा, फिर ये तीसरा स्पाइक बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा तो चौथा, फिर चौथा वापस यहाँ पर पहुंच जाएगा पांचवा, के अंदर स्पाइक बॉन्ड की पोजीशन, तो पांच बन गया। वापस फिर अगेन देखें हम, ये तीसरा इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ये वाला प्लस यहाँ से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर जाएगा तो ये बन जाएगा छठा स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ जाएगा तो सातवां, यहाँ वापस जाएगा तो आठवां, रिपीट होगा तो नाइन स्ट्रक्चर। अब देखो आपने क्या किया होगा, आपने आपने अंदर की बॉन्ड की पोजीशन को तो आप कैसे बनाएगा तो आपसे सही बनेंगे, आप पहले इस प्लस को यहाँ लाइएगा, एक ही रास्ता है आगे बढ़िएगा, फिर ये प्लस यहाँ पर जाएंगे तो वहां से दो रास्ते हो जाएंगे, एक रास्ता हो जाएगा जो इस रिंग की तरफ जाता है और एक रास्ता हो जाएगा जो इस रिंग। अब एक एक तरफ आप जैसे आपने यहाँ पर बनाया, एक तरफ आप किंग ए में रेजोनेंस बनाएगा और एक तरफ रेजोनेंस बी में, फिर सबको काउंट कर लीजिए। हाँ तो यही तो प्रैक्टिस है, हम आपको क्या, हम देखिए हम बाकी रेजोनेंस बनाना तो सबको आता है, आप गलती ना करें, मतलब ऑपरेशन करना तो सबको आता है, वहाँ पर कैंची ना छोड़े जाके किसी के पेट में, ऑपरेशन करना तो सबको आता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से है ना, जो निकालना है वो निकालने के बजाय कुछ और निकालने, अंदर इंटरनल आ गए, तो यही तो आपका अच्छा डॉक्टर बनाने का यही तरीका, ये पर बताओ। डॉक्टर लोगों के लिए भी टेस्ट टफ होने चाहिए, डॉक्टर तो सबसे बेहतरीन लोग हैं, इनका आईक्यू लेवल तो अच्छा होना चाहिए, रखने वाले डॉक्टर नहीं पहुंचने चाहिए मेडिकल कॉलेज में, ये पर बताओ। ये इसमें कैसे बने आपने, चार बने स्क्वायर केस, ये बना दिया, कुछ रिपीट हो रहे होंगे, आप ट्राई करिएगा कुछ रिपीट होंगे, तो एक बार ये दोनों प्लस यहाँ पर है, दोनों माइनस, फिर ये दोनों माइनस यहाँ आएंगे, दूसरा फिर ये दोनों माइनस यहाँ आएंगे, तीसरा फिर दोनों माइनस यहाँ आएंगे, चौथा वापस आएंगे तो रिपीट हो जाएगा, इसमें ये बना बना भी ऐसा, ये क्या है बताओ, यहाँ पर ये स्क्वायर केसिड का एना है, यह है कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्क्वायर केसिड, स्क्वायर केसिड एना है, यहाँ पर कितने बना, आप किसी एक से बनाइए, आप इससे आप कहीं से बनाइएगा, इन्हीं चार में से कोई भी बना होगा, उसको ध्यान से देखिए, ट्राई किया नहीं ट्राई किया, एक बार वापस ट्राई करिएगा, ये मैं आपके सामने बना दिया ना, दिखा देखो मैंने कैसे बना, ये वाला पाई बॉन्ड इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, ठीक है, और ये इसको खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, डबल बॉन्ड ओपन जाए, फिर से ये माइनस है, ये वाला माइनस फिर इधर आएगा, ये वन टू यहाँ पर जाएगा, ये वन टू ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर ये माइनस अगेन क्या होगा, ये माइनस, अब इसके बाद ये माइनस रेजोनेंस करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, ये वाला वन टू, अब इसके बाद इसमें अगर बनाएंगे फिर ये माइनस चार्ज, किसी को भी बना, ये माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा और ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पर जाएगा, यहाँ जाएगा, ये वाला पहला स्ट्रक्चर रिपीट, हाँ वैसे तो बनाएंगे आप, डबल बॉन्ड भी देखें, हाँ वो तो रेजोनेंस तभी जाएगा ना बेटा इसका, ये तो आप यहाँ माइनस बना रहे थे, ये माइनस माइनस रिपेल करेंगे और दो चार्ज करीब अगर आते हैं तो हाईली क्या होता है, वो सिस्टम हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही डायरेक्ट मूव करें, इसमें कितना बना आपने, हर ऑक्सीजन पे दो बार माइनस है, हर ऑक्सीजन पे दो बार माइनस, देखो क्या हाइब्रिड में हर ऑक्सीजन पे दो बार माइनस है ना, तो हमने दो बार डेल्टा माइनस दिखा दिया, एग्जैक्ट दिखा दिया, दो दो चार्ज चार्ज में बिखरा हुआ, हाँ दिखा सकते हैं आप, टू बाई फोर दिखा सकते हैं, हमने क्या कर दिया डायरेक्ट, दो चार्ज कहाँ पर बिखरा बताओ, पूरे चार्ज पर बिखरा, तो आपको माइनस आप दिखा सकते हैं, एक ही बार डेल्टा माइनस भी दिखा सकते हैं आप, ओके यहाँ पर बताया कैसे बना, ये बना लिया आपने, इसमें कितनी स्ट्रक्चर बना आपने, पांच सबने बना लिया पांच, हेलो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने पांच, अगर आपके गलत हुए ना तो एक बार ट्राई करिएगा, इसे डिस्कस करेंगे, इसमें बनेंगे दो, बना दिया एक तो डायरेक्ट बन गया होगा, ये लोन पे इस पाई वन से रेजोनेंस करेगा, ये पाई वन टू के ऊपर जाएगा, ये आगे बढ़ेगा और ये बन जाएगा, आई थिंक ये बना दिया होगा आप लोगों, इसका हाइब्रिड कैसे बना होगा, ओके फॉर्मिक एसिड एसिड का ऐसे इसका भी बना लिया होगा आपने, बन गया होगा ना, और क्या होगा बेटा यहाँ पर जहाँ OH वहाँ क्या लिख देंगे आप, इसका बना लिया होगा आपने, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पर, पांच, पक्का इसका भी बना लिया, ओके इसका बनाऊंगा या बना लेंगे आपने, यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा और हर एटम पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पर डेल्टा प्लस और हर एटम पे डेल्टा माइनस, कैसे आपने बनाया होगा, ये लोन पे इधर बड़ा होगा, ये बॉन्ड टू के कहाँ पर आ गया होगा, एन पर, एन का जो लोन पे है ये कहीं नहीं जाएगा, ये एन का लोन पर कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ ये ऑक्सीजन का लोन पर डिलोकलाइज, तो आपने आई थिंक बनाया होगा। अगर मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे करूँ, सर अभी तो ये उचित समय नहीं है यहाँ पे करने से डाउट होगा, परंतु फिर भी मैं ये मेरे मन में है डाउट क्लियर करना तो करूँगा, ऐसे बने ऐसे ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करता है, यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर वापस जाएगा, हाइब्रिड जो बनेगा वो हाइब्रिड कुछ डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई पूछे इसमें लोकलाइज लोन पे कितने हैं, तो दो लोन पे, और डीलोकलाइज है ओ का एक लोन, हाँ बेटा नाइट्रोजन क्या बता दो, क्या बेटा नहीं किसके लोन पर निकलेंगे, जो कॉन्जुगेशन में होगा इधर से, हाँ इधर से भी कर सकते हैं रेजोनेंस, आप देखो अगर आप इधर से बनाओगे तो जो स्ट्रक्चर पहले इसमें बनेगा तो पहले इसमें बनेगा, इधर से करने पे वही आखिरी में बनेगा, परंतु यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा है ना, तो पहले यही वाला बॉन्ड टूट के जाएगा ये, अच्छा तो इसको इसे भी कर सकते हैं क्या, एक मिनट जैसे आपका एक डाउट है कि ये लोन पेयर को अगर हम रेजोनेंस करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, पहली बात तो बता दो बेटा, या तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड आपस में एक प्लेन में होंगे, या ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अब मैं आपको बताऊं ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे इस तरह से, ये नाइट्रोजन का है, ये यू समझिए ये बोर्ड का ये प्लेन है, यहां पर कहीं पर आपका ऑर्बिटल है लोन पेयर, और ये पाई बॉन्ड यहां पर है, ये वाले साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड यहां पर है, ये पाई बॉन्ड यहां पर है, ये लोन पेयर यहां पर है, और ये लोन पेयर क्या है इस बोर्ड के यहां पर, ये रिंग का प्लेन है, उसी रिंग के प्लेन में, एकदम सीधा सीधा दिमाग में याद रखेगा कि रेजोनेंस तभी होगा, कुछ मत सोच, रेजोनेंस तभी होता है जब घूमने वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन में हो, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसका प्लेन अलग होगा और ये पाई बॉन्ड का प्लेन अलग होगा, नहीं पता चलेगा भाई नाइट्रोजन में एक भी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में ये होगा, एक ऑर्बिटल से ये बना होगा, और ऑर्बिटल दूसरे के क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तो अगर ये इस प्लेन में है तो ये पक्का उसके 90 डिग्री पर, क्या चीज सवाल आपको समझा नहीं मैं,
एस यहाँ का ऑपरेशन होगा एस पी टू। अच्छा मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं और मैं कुछ और बोल रहा हूँ। देखिए नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन ये मैं समझ गया आपके आपके डाउट। यहाँ पर ये जो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सब हाइड्रोजन से ओवरलैप है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ऐसे। और यहाँ पर एक लोन पर इस यहाँ पर हो गया ना ऐसे, ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पर याद रखिएगा ऐसे, इस कार्बन पर परपेंडिकुलर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये साइड बाय साइड ओवरलैप करने से एक पाई बॉन्ड बना, एक पेन और देना क्या छोड़ा बच्चों क्या चीज पाकिस्तान टूर्नामेंट में। ये ऑर्बिटल ऐसे हुआ ठीक है, ये ऑर्बिटल ऐसे, यहाँ की ऑर्बिटल ऐसे, यहाँ का जो लोन पर इसके प्लेन में है वो आपस में ऐसे गोल गोल घूमते। तो ये लोन पर कभी भी स्पाई बॉन्ड के साथ जो है, इस लोन पर कभी भी इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाली ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके प्लेन क्या है जो है अलग। आया समझ में? कभी नहीं आया। यहाँ पर एक लोन पर होगा हाइब्रिड और एक होगा प्योर ऑर्बिटल। अब अगर बाई चांस आपने कहा कि वो हम रेजोनेंस कराई दे, बाई चांस आपको नहीं पता, मान लिया आपको पेन नहीं पता, मान लिया आपको पेन नहीं पता और आपने रेजोनेंस करा दिया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आपके मन में डाउट है कि सर ये लोन पर भी रेजोनेंस, ठीक है अगर हमें इसको रेजोनेंस करा दिया तो ये बॉन्ड यहाँ पर अगर आएगा तो ये इससे रिपेल होकर इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये बनेगा। इस केस में नाइट्रोजन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मुझे, ये क्या होगा यहाँ प्लस एसपी, और एसपी हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन होता है उसके बॉन्ड कितने एंगल पे होना चाहिए, वो 180। ये है कितने पर? 108 पे, 108 डिग्री पे होता है ना, पांच मेंबर की जोड़ी होती है बॉन्ड 108 डिग्री पे, तो 108 डिग्री वाले बॉन्ड को कितना पे होना चाहिए बताओ, बॉन्ड कहाँ जाना चाहेगा बताओ। तो ये इसमें कितना तनाव होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेट, लगभग 70-72 डिग्री का तनाव होगा, तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। पहले तो ये किसी भी साइकिल में याद रखिएगा, कोई भी साइकिल अगर कहीं दिखे तो वहां पर लगातार दो डबल बॉन्ड आपको नहीं मिलते, इसलिए नहीं मिलते क्योंकि इसका बीच वाले कार्बन का एडिशन एसपी होना पड़ेगा और बॉन्ड में तनाव बहुत हो जाएंगे। आपने ऐसा भी देखा होगा कि साइकिल में जो है तीन कार्बन, सॉरी साइकिल में आठ कार्बन के पहले एल्काइन भी नहीं मिलते, क्योंकि इसका एडिशन क्या हो जाता है, जो है एसपी हो जाता है तो एंगल स्ट्रेन होता है, तो ट्रिपल एंगल स्ट्रेन की वजह से ऐसे स्ट्रक्चर कभी नहीं बनेंगे, पहली कारण। दूसरा कारण यह कि मेन कारण है कि इसका ये अलग प्लेन में है और जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रेजोनेंस करते हैं वो अलग प्लेन में। आपसे बोला था कि रेजोनेंस की दो कंडीशन है, सिस्टम शुड बी प्लेनर एंड देयर शुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेशन। जो हां बेटा ये पांच बॉन्ड नहीं बना बेटा, कहां पांच बॉन्ड, यहां पर देखो दो दो हाइड्रोजन। अच्छा पानी भी सुबह चढ़ती है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो चढ़ जाती है सुबह सुबह, मुझे कभी कभी पानी चढ़ जाती है। चलो अच्छा समझ गया बेटा, ओके चल ठीक है ये आ गया। अब यहां पर हम आपसे बताएं, चलो बाकी बेसिक बातें बात करेंगे, थोड़ा ज्यादा चर्चा हो रही है, चर्चा को मिनिमाइज करते हैं। ओके ये इसमें कितना रेजोनेंस होगा, पांच। कैसे? ये वाला बॉन्ड तोड़ के आप यहाँ लाएंगे ला देंगे और फिर ये प्लस अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और पांचवा ये वापस पेंजाइल कार्बन रिटर्न। और इसमें स्ट्रक्चर की शुरुआत कुछ प्रकार से आप किए होंगे, शायद आपने बनाया है, काफी बच्चे तो सोचे मुझे आता है तो इसमें बनाया नहीं है ना, लेकिन एक बार बना लेना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी आपने कैसे बनाया, कैसे? तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो जाएगा, ओ इसलिए नहीं होगा, फिर तो ये रेजोनेंस नहीं होगा। आपने सही बोला, ये रेजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये कि रेजोनेंस बनाते वक्त इस बात को जरूर ध्यान देना कि कभी भी किसी एटम की औकात से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाना, है ना, मतलब वैलेंस से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाना। नाइट्रोजन कभी भी पांच बॉन्ड नहीं बनाता। अगर आपको किसी की औकात नहीं पता हो तो आप ऐसे याद कर लो, औकात कैसे पता करते हैं, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है इनके पास दो ही सेल होता है, आप सब जानते हैं। इसके पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे में मैक्सिमम कंफ्यूज हो गया आप लोग, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है ना, लगता है कि मेरा कंसेप्ट कुछ गड़बड़ क्या है ना, मैं सोचने लगा। पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आठ, मैक्सिमम आप यही रख सकते हैं। अच्छा ये समझे, दूसरा जो सेल होता है उसमें दो सबसेल होते हैं, 2s होता है, एक 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में तीन ऑर्बिटल, पक्का। तो कुल ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हो गई, चार। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर रखने की औकात इनकी आठ, जितने सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता आठ, तो कुछ मिला के लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब कुछ मिला के आठ पेयर होगा। और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप ले लीजिए इसमें फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनमें तीन सेल होता है, जहां तीन सेल होती है उसकी औकात थोड़ी ज्यादा होती है ना, उनके आउटर मोस्ट सेल में थर्ड आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें सबसे होते हैं 3s, 3 एंड 3p, 3s सबसेल में एक और 3p में तीन ऑर्बिटल और d में पांच ऑर्बिटल, कुल ऑर्बिटल की संख्या होगी 9, तो 9 × 2 करीब 18 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं। तो कभी भी किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स हैं तो आठ से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। अगर आठ से ज्यादा बॉन्ड नहीं पर दिख रहा है तो मॉलिक्यूल हाईली क्या होगा, तो वो मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होगा, हाईली अनस्टेबल तो छोड़ो, बनता ही नहीं, पेपर पे तो हम बना सकते हैं लेकिन वो रियल में बनेगा नहीं है। तो अगर आपसे कभी ऐसे कोई बोले तो आप लिख सकते हैं, इन एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड प्रेजेंट देन इट शुड नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस। फिर इसमें रेजोनेंस कैसे बनेंगे, इसमें रेजोनेंस सिर्फ बेंजीन वाला होगा, इसमें वो नाइट्रोजन वाला के साथ तो नहीं होगा, फिर बेंजीन वाला रेजोनेंस होगा। आप अपनी जगह बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह जो पोजीशन चेंज करते हैं, कोई पूछे इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, आप जवाब देंगे यहाँ पर दो, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर हमने पी एस थ्री प्लस लिखा होता, मतलब ये एन एस थ्री प्लस हटा के मैंने यहाँ पर पी एस थ्री प्लस लिखा होता तो पांच बन जाते, क्योंकि पी एस थ्री जो है मैं फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन चार से ज्यादा या बॉन्ड चार से ज्यादा बन सकते, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन तक आ सकता है, इसके आंसर कितने जाते बताओ, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसमें कैसे बनाएंगे, तो फाइव बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट करेंगे, कितने बनाएंगे, इसमें कितने बनाएंगे, तीन बना दिया क्या मैंने, कैसे, दो रिंग है, रिंग ए रिंग बी, पहले रिंग ए में बना लो। देखो आपको आता सब कुछ है, इस बार से आप यहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें जो हल्की हल्की अगर 19-20 हो वो सीख जाए, फिर वापस क्या करेंगे बताओ, अगेन फिर से ये वही बन गया, ये पाई बॉन्ड की पोजीशन यहाँ चली गई, ये चली गई, फिर वापस क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड अगेन, अब इस रिंग में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये बन गया।
ये अंतर दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा बताओ, बी हो गया, कितने स्वच्छ बन गए यहाँ पर, तीन, ओके अच्छा ये चलो आगे बताएंगे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, इसमें कितने बन गए बोलो, चार पाँच, अब बना लेना, बना लोगे ना आप लोग, पहले रिंग ए में इलेक्ट्रॉन को घुमा लेना, फिर रिंग टू में घुमा लेना, फिर रिंग थ्री में घुमा लेना, तीन तो ऐसे बन जाएंगे, एक यहाँ पर ऑलरेडी है चार, ऐसे यहाँ पर आप बनाएंगे इसके पांच बनेंगे, ट्राई करिएगा कि बनने के चांसेस आपसे नहीं है, मतलब आप नहीं बना पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है ये पांच स्ट्रक्चर पहली बार बनाने को, गूगल से मत पूछेगा, गूगल फिनांसिंग के स्ट्रक्चर दिखाओ तो दिखा देगा, बता देगा, ठीक है, तो आपको बस बनाने इसके पांच स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ट्राई करिएगा दिमाग की प्रैक्टिस। चलो इसी के साथ अब हम बात करें ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के बनते हैं, ये सबकी स्ट्रक्चर एक जैसे, सबकी स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं होती और सबका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में समान नहीं होता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में समान नहीं होता, वे स्ट्रक्चर ज्यादा, जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है ज्यादा, ये सब मैं लिखा दिया हूं आपको, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख के नहीं आया हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो कहीं भी लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सारी बात बता दिया, ये पेन लो बेटा, जो रेजोनेंस होता है रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन घूमता है एटम अपनी जगह हमेशा क्या रहता है फिक्स, यही अंतर रेजोनेंस और टाइटोमेरिज्म में होता है, टाइटोमेरिज्म में एटम भी घूमता है और इलेक्ट्रॉन भी घूमता है, लेकिन रेजोनेंस में सिर्फ क्या घूमता है बताओ, इलेक्ट्रॉन, जब टाइटोमेरिज्म बताएंगे तो वहां पर आपको सिखाएंगे। दूसरी बात आपको बता दूं कि रेजोनेंस में बनने वाले सभी स्ट्रक्चर की इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी आपस में सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे मैं अगर बात करूं कि आपने बेंजीन की बनाया था तो बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है, बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं आपने बनाए थे दोनों सेम स्टेबिलिटी के हैं, बेंजाइल कैटायन के बनाया है तो डिफरेंट स्टेबिलिटी के हैं, नेफ्थलीन में कुछ के सेम है कुछ के डिफरेंट है, तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉलिक्यूल के वो सेम स्टेबिलिटी के भी हो सकते हैं डिफरेंट, ठीक है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी, नोटबुक में लिखो बेटा, पेज तो पूछा है तो तेरे पास रहेगा, पेस्ट हो जाएगा, चल ठीक है, देखो क्या बोला, भूल गया, इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी, ये तीनों पॉइंट एक साथ, इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी या हाफ लाइफ, इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी हाफ लाइफ टाइम, कुछ सबके लिए बता सकते, ठीक है, छोटे छोटे जाएंगे, इंटरनल एनर्जी स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मे बी सेम मे बी डिफरेंट, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। अच्छा, किसी मॉलिक्यूल के बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, परंतु रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में सबके कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होते, किसी फैमिली में सभी के फैमिली के कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए सबके कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होते, फैमिली में जो मेंबर ज्यादा एक्टिव ज्यादा लंबे समय तक रहता है उसकी उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, जो जन्म लेते ही चला जाता है उसके कंट्रीब्यूशन को लोग याद नहीं कर पाते क्योंकि उसने कोई वर्क किया ही नहीं, पक्का, देखिए मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मे बी रिटन फॉर मॉलिक्यूल, मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मे बी रिटन फॉर मॉलिक्यूल, सॉरी कैन बी रिटन फॉर मॉलिक्यूल, ग्रामर पे मत जाओ यार, मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर मॉलिक्यूल, दिमाग कहीं पर can be retained for a molecule, but during formation of resonance hybrid, contribution of all resonating structure are not equal. बदल जाएगा, इसे तो रट किया था, एक बार बोल दिया, दोबारा कैसे रटूं? More than one resonating structure can be retained for a molecule, but during formation of resonance hybrid, sorry, यही था, अच्छा, more than one resonating structure can be retained for a molecule, but during formation of resonance hybrid, contribution of all resonating structure are not equal. Contribution of all structure are not equal. मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटेड मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटेड मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड, ज्यादा स्टेबल है तो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट, क्या आप स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, है ना, कैसे किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, तो लिखे मेथड और रूल्स टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेथड और रूल्स टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेथड या रूल्स टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर वन, अच्छा पहला रूल, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड ज्यादा दिखे वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, रूल नंबर वन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, पहले पाई बॉन्ड देखना, ये सबसे आसान तरीका, मैं कई सारे क्वेश्चन को बिना दिमाग लगाया, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट of each atom, resonating structure with complete octet of each atom are more stable. इसमें octet सबके पूरे होते हैं वो ज्यादा stable होता है. दो family, एक family में सबके पेट हमेशा भरते हैं और एक family में कोई भूखा सोता है, तो कोई भूखा सोता है तो family जल्दी टूटे. Next, अगला, अब दो structure दिखे, एक में plus और minus charge दिखे, एक में charge ना दिखे, plus और minus, clear कर दिखे. तो charge वाले की life क्या होती है? कम. Charge एक बीमारी है. Charge आने से stability क्या हो जाती है? कम. दिखे. Polar structures are less stable. कितने rule हैं? Polar structures are less stable. जो polar structures होंगे उनकी stability क्या होती है? कम होती. Rule number three. Polar structures are less stable. X. अच्छा, अब अगर मान लो दो polar structure आपके सामने दिख जाए, दो polar structure, एक में positive charge हो, less electronegative atom, more electronegative atom पर negative charge हो, और less electronegative atom पर क्या हो, बताओ, positive charge. एक structure में ऐसी condition, और दूसरे में more electronegative atom पर positive charge हो जाए, ठीक है, और less वाले पर क्या हो जाए, बताओ, negative charge. इसकी stability क्या होगी, जो है पक्का, इसमें ये पहले वाले की stability दूसरे से क्या होगी, ज्यादा. तो resonating structure with negative charge, resonating structure with negative charge on more EN atom,
एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस ई एन एटम इज मोर स्टेबल दैन दैट स्ट्रक्चर वेयर कंडीशन इज अपोजिट, जहां पे कंडीशन क्या हो अपोजिट। अच्छा, ये रूल को क्रम चेंज मत करना, पहले दूसरे में से किसी एक रूल को लगा सकते हो, पहले दूसरे में क्रम चेंज कर सकते हो, पहले अपडेट भी देख सकते हो, पहले पाई बॉन्ड, परंतु ये तीसरे और चौथे रूल को पहले दूसरे रूल के फ्लॉप होने के बाद, फेल होने के बाद ही अप्लाई करेंगे। मान लिया अगर आपका सवाल पहले दूसरे रूल से सॉल्व हो गया तो तीसरे के पास मत जाइएगा, चौथे के पास मत जाइएगा, हो गया चार रूल, हो गया पांचवा रूल। अच्छा, जो एक चीज और आपको पता है कि मान लिया कोई पोलर स्ट्रक्चर है जहां पे चार्ज एक जैसे और एक जगह पर जो लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज समान सेम चार्ज है वो दूर है और दूसरे में लाइक चार्ज नजदीक है, तो जहां पर लाइक चार्ज नजदीक होंगे वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम, ठीक है, उल्टा यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी ज्यादा और यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी कम। अगर यही अनलाइक चार्ज के बारे में बोला जाए, अनलाइक चार्ज अगर नजदीक होंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर अनलाइक चार्ज हो और नजदीक हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और अगर दूर है तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। बोलो लिखिए, ये वाला कौन सा रूल है बताओ, रूल नंबर 5 दिखाओ उसको, क्या ऐसे ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, चौथा पांचवा बैठा पांच हो गया, क्या अब पांच सौ मैंने लिख रखा, अब इसके बाद एक्चुअली याद करो। हाँ, जैसे मान लिया ऊपर के सारे रूल काम न करें और वो एरोमेटिक रिंग हो या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो आपको दिखे, एरोमेटिक रिंग हो सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऊपर के कोई रूल काम न करे, तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन का लुक ज्यादा दिखे, जिसमें बेंजीन का रूप ज्यादा झलके, समझिएगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा। लिखे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग आर मोर स्टेबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग आर मोर स्टेबल। तो बोला था फ्राइज, फ्राइज नमक साइंटिस्ट ने फ्राइज रूल बोला, फ्राई नहीं, फ्राई खाते हैं आप, फ्रेंच फ्राई नहीं है, फ्राइज रूल पक्का। तो ये पांच छह रूल मैंने दिखा दिया, अब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, समझ आ गया। अब इसके अलावा अगर ये सारे रूल काम न करें तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट से, जैसे मान लिया कहीं पर पॉजिटिव चार्ज माइनस आई के करीब है वो कम स्टेबल होगा, प्लस आई के करीब है तो क्या होगा ज्यादा, तो उस आधार पर हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये छह रूल है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, रूल को चेंज मत करें, सीक्वेंस को चेंज मत, सीक्वेंस अगर चेंज करेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो सकता है। जैसे एक सवाल करूं आपसे, मैं क्वेश्चन मैं ये पूछूं आपसे, एक है ये केटायन है और दूसरा ये केटायन, कौन ज्यादा स्टेबल, पहला कि दूसरा, दूसरा, तो बी इज मोर स्टेबल देन। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन देख लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहले पाई बॉन्ड देखेंगे या आप ऑक्टेट रूल भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे देखिएगा, यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर ऑक्टेट क्या है अधूरा है, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट अधूरा, परंतु यहाँ पर चेक करेंगे तो इसके हर कार्बन पर 8 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड के आधार पर कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट कर लें। वैसे कुछ क्वेश्चन है आप करेंगे, आप अभी करेंगे या घर पर करके लाएंगे, अभी करेंगे। चलो जैसे मैंने ये लिखा, ये पहला क्वेश्चन है आपको, ये पहले में स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है, ये फर्स्ट, ये पहला, सबसे पहले पाई बॉन्ड देखो, इसमें हमें पाई बॉन्ड देखेंगे, इसमें पाई बॉन्ड एक मिलेगा, इसमें एक मिलेगा, इसमें जीरो मिलेगा, इसमें सेम हो गया, कुछ सेम है इसमें लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, कुछ करेक्शन है, ये क्वेश्चन बोनस है, ये बोनस ये कि यहाँ पर ये एच नहीं है पहली बात, नहीं तो माइनस नहीं आ गया, एक तो ये करेक्शन है और एक करेक्शन, जो करेक्शन कर दो फिर आंसर को, नहीं तो बोनस करना, और इसमें हो जाएगा अब हो गया, क्वेश्चन बन गया, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, अब चेंज हो गया। बताओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के आधार पर अगर हम बात करें और ऑक्टेट रूल के आधार पर बात करें तो इसमें याद रखना, इसमें सबके ऑक्टेट पूरे हैं, पाई बॉन्ड भी ज्यादा है, तो पहला और दूसरा ज्यादा स्टेबल होगा। अब पहले दूसरे में हम डिसाइड करेंगे रूल नंबर 3, इसमें चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है, तो जहां चार्ज होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। अब हम तीसरे और चौथे में कैसे आपको बताएंगे, चौथे रूल के द्वारा, भाई पहला यहाँ भी पाई बॉन्ड सेम, यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्टेट अधूरा, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट अधूरा है, रूल नंबर 3 यहाँ पर भी प्लस माइनस चार्ज, यहाँ भी प्लस माइनस चार्ज, रूल नंबर 4 यहाँ पर चार्ज की पोजीशन देखेंगे कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम शुड हैव नेगेटिव चार्ज अनलेस शुड हैव पॉजिटिव चार्ज, जो सुटेबल कंडीशन है, यहाँ पर उल्टा है तो 3 की स्टेबिलिटी 4 से क्या हो जाएगी, क्लियर। अब हम ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन जो जेई के पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश किया। ये डाइजोमीथेन, हाँ इसे डाउट है, नीट की पीवाईक्यू में दम नहीं, आपको पेपर उठा के सॉल्व कर, एक भी क्वेश्चन रुक जाए तो मेरी जिम्मेदारी, नीट के क्वेश्चन में देखते हैं, क्योंकि नीट के क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व कर लें, अब नीट के क्वेश्चन में रुक जाए तो यार फिर करोना में पढ़ने बेकार है, फिर यार पढ़ने में यार, नीट के क्वेश्चन तो आप लोगों को बता देंगे बेटा, पीवाईक्यू एक काम करेंगे ना, आप एक बार एक दिन में आपके पूरे चैप्टर की पीवाईक्यू हो जाए, होगा बाप, पीवाईक्यू के तो मिलते हैं क्या ना मार्केट में चैप्टर वाइज, चलो कोई नहीं, मैं दे दूंगा कोई बात। इसमें बताओ, इसमें पहले क्या चेक करोगे, पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो इसमें एक, इसमें एक, तो नंबर पाई बॉन्ड के बेसिस पर पहला दूसरा ज्यादा स्टेबल होगा। ये डाइजोमीथेन जो होता है, डाइजोमीथेन का आपका ये CH2N2 डाइजोमीथेन एक मॉलिक्यूल है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। अब इसमें इन दोनों में कौन स्टेबल होगा, यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, रूल नंबर 3 तो सेम है, रूल नंबर 4 यहाँ कार्बन पर नाइट्रोजन पर प्लस है, यहाँ भी नाइट्रोजन पर प्लस है, लेकिन माइनस यहाँ नाइट्रोजन पर, इसका माइनस किस पर है, कार्बन पर, तो माइनस के बेसिस पर पहले की स्टेबिलिटी दूसरे से क्या होगी ज्यादा। इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ज की, यहाँ पर भी लगता बोनस हो गया, फिर भी आप बता दो सबसे स्टेबल कौन होगा, तीसरा होगा, रॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बता दो सबसे स्टेबल कौन होगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट रूल, यहाँ पर भी ऑक्टेट अधूरा, यहाँ पर भी ऑक्टेट अधूरा है, तो सबसे और प्लस प्लस भी है, तो सबसे कम। लेकिन अगर यहाँ पर हमने चार्ज उल्टा कर दिया होता तो, जैसे यहाँ पे मैंने
अब जो सोचा था वही करके एक बार देख लो। नहीं आ रहा, चलो ठीक। तो आज तो यार गड़बड़ हो गया, तो अच्छा कोई नहीं ये एक्चुअली क्या है कि पता नहीं कैसे गया। लो स्टार्ट हो गया। अच्छा तो यहाँ पर नंबर पाई बॉन्ड दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, उस बेसिस पर तो आपने इनको बताई दिया था और पहले दूसरे में पहला होगा और इनमें कौन होगा आप बता दें, करेक्शन कर दिया। आज चार्ज की पोजीशन के आधार पर फोर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा हो जाएगा। इसमें बता दें सेकेंड, इसमें बता दें सेकेंड, पक्का आने दो। एग्जाम्पल आएगा केमिस्ट्री कहती लिखिए सीखो, जितने सारे डाउट है ना आपके मन में जो भी डाउट है क्वेश्चन लिख लिया करो, गारंटी में बताता हूँ 80% क्वेश्चन के जवाब तुम लिखते जैसे तुम खत्म करोगे पेन रोकोगे ना आंसर मिल जाए। एक्चुअली जब हवा में सोचेंगे तो डाउट ज्यादा होगा, पर उसे जब हम जैसे लिखेंगे उसके डाउट खत्म हो जाए। इसमें बताओ नंबर पाई बॉन्ड तो सेम है तो चार्ज की पोजीशन के आधार पर पहला मोर स्टेबल, दूसरा पक्का, यहाँ पर बता दें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये दोनों तो सेम है ओके। अच्छा इसमें बता दो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये न्यूट्रल एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है तो चार्ज की पोजीशन के आधार पर पहला है, कर लिया आप लोगों ने। इसमें बता दो जल्दी से पाई बॉन्ड सेम है तो चार्ज की पोजीशन के आधार पर सेकंड होगा, नहीं खाली इसमें जी ठीक है। इसमें बता दें भाई इसमें इसमें पाई बॉन्ड दो है, इसमें एक है, इसमें एक है तो पहला और इन दोनों में हो जाएगा दूसरा चार्ज की पोजीशन के आधार पर। किसी को डाउट है क्या, यहाँ सी पर प्लस है, ऊपर माइनस है, उल्टा है, ये बता दो। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर सेम है, यहाँ भी पाई बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट रूल सब में कंप्लीट है। अच्छा चार्ज है ही नहीं यहाँ पे तो चार्ज की पोजीशन क्या देखें, आप क्या देखें, आप ध्यान से देखिएगा तो अगर हम इस रिंग को, ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ होता है, ये रिंग के अंदर होता है या यहाँ ऊपर होता है, ये सारे ऑर्बिटल ऐसे होते हैं ऑर्बिटल, ये सारे पाई बॉन्ड ऊपर, ये एकदम ऊपर होता है, ये दोनों रिंग में काउंट होता है, लेकिन हम हवा में लिख नहीं सकते, या तो हमें लेफ्ट रिंग लिखना होगा या तो राइट में लिखना होगा। आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसको ढकते हैं तो एक बेंजीन आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा, दिखेगा ना, इसको राइट से ढकते हैं तो भी एक बेंजीन हमें दिखेगा, इसमें ए और बी दोनों बेंजीनॉइड रिंग है यहाँ पर, आया समझ में, और इसमें ये ए और बी दोनों ही बेंजीनॉइड रिंग है, तो सॉरी इसमें सिर्फ ए, इसमें बेंजीनॉइड रिंग जो है, इसमें बेंजीनॉइड रिंग एक है और इसमें बेंजीनॉइड रिंग क्या है बताओ, बेंजीनॉइड रिंग दो है और दोनों ए एंड बी दोनों है, इसमें क्या है बेंजीनॉइड रिंग सिर्फ ए रिंग है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी। नेफ्रिन अपना ज्यादातर समय इस रूप में बिताता, नेफ्रिन ज्यादातर समय इस रूप में बिताता, इस रूप में कम बिताता, फ्यूचर में कभी इसके बारे में कुछ बोलना हो तो आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में देते हुए बताएंगे, क्योंकि अभी कई सारी बातें आपको कई जगह पर, यहाँ पर जैसे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, कहाँ अटैक होगा, कहाँ नहीं होगा, कोई साधारण बताते ऐसे एच आई हाँ जी इलेक्ट्रॉन 10 पाई इलेक्ट्रॉन दो, यहाँ पांच बॉन्ड है, हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, वो भी एरोमेटिक, वो भी नेक्स्ट एरोमेटिक सब आगे आने वाला। मैं और क्या बोला था, एक क्वेश्चन और, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर हो गया, बताइए इसमें कौन ज्यादा स्टेबल, कौन सा, दोनों तो सेम है, आप बताओ फर्स्ट एंथ्रासीन अपना ज्यादातर समय इस रूप में बिताया, क्योंकि इसमें दो बेंजीनॉइड रिंग, वहां एक बेंजीनॉइड रिंग, पक्का सेकंड, क्यों इसमें तीन बेंजीनॉइड रिंग। अच्छा आप लेकिन लेकिन ये रेजोनेंट सेक्शन नहीं है, ये दोनों आपस में रेजोनेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन दो अलग मॉलिक्यूल के बारे में भी हम इस अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा बेंजीन अगर दिखे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा फिनान्थ्रीन जो होता है ज्यादा स्टेबल इन कंपेयर टू एंथ्रासीन, फिनान्थ्रीन में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं इसलिए भी ज्यादा स्टेबल होता है, ये भी कारण है। तो क्या हो गया बताओ नेक्स्ट, एच आई आई की बात क्या था, जे जे की बात के, एक क्वेश्चन और पूछ लूं क्या आपसे, पूछ लूं कि ना पूछो क्या बता देंगे आप लोग, क्या पूछो सब आप जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा है, हाँ तो जल्दी से बता दें कौन ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा कठिन सवाल हो गया क्या, बता दो इसमें कौन से बोलगा, बिल्कुल लड़ाई हो जाएगी, कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट, हाँ तो सही रीजन बताना पड़ेगा, और कितने लोग कह रहे हैं सेकंड, अच्छा ये रीजन बता दिया कि जब देखो ईएन हम तभी देखते हैं जब साइज सेम होती है, ईएन हम तभी देखते हैं जब सेम पीरियड्स के आइटम होते हैं, और हमने आपको एक बात बताई है याद करिए कि CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, अगर हम इनकी बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर याद रखिएगा ये ईएन, हम ईएन तब देखेंगे जब सब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में फैसला हो रहा हो, तो अगर कभी ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में फैसला हो रहा हो तो याद रखिएगा सल्फर इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन,
O माइनस से भी ज्यादा स्टेबल सल्फर होता है, फ्लोरीन से ज्यादा स्टेबल क्या होता है बताओ, क्लोरीन, Cl, उसे Br, उसे ज्यादा क्या होता है I। तो अब अगर देखो EN हम जब साइज अलग हो जाए, जब आयंस अलग अलग साइज के हो, सेम ग्रुप के हो, तब वहां पर हम स्टेबिलिटी को साइज के बेसिस पर बताएंगे, फिर थोड़ा स्पेशल केस हो गया। रूल नंबर नेक्स्ट, आखिरी रूल, व्हेन एनायन आर फ्रॉम सेम ग्रुप देन सी साइज टू डिसाइड स्टेबिलिटी। व्हेन एनायन आर फ्रॉम सेम ग्रुप एनायन, व्हेन एनायन आर फ्रॉम सेम ग्रुप, व्हेन एनायन आर फ्रॉम सेम ग्रुप डिफरेंट साइज देन डिसाइड स्टेबिलिटी बाय साइज, है ना। लार्जर साइज एनायन विल मोर स्टेबल, बड़े साइज वाला एनायन क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल। अब आगे समझ में आपको इसमें कौन आंसर हो जाएगा, पहला इसमें बता दो एस पर माइनस और एन पर माइनस, ठीक है। तो हम बताएंगे एस माइनस की वजह से फर्स्ट, तो मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया आप लोगों को। तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत थोड़ी दिक्कत आएगी, कहीं कहीं पे किसी के टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो एक आध दो जगह दिक्कत आएगी, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगी। आप नाराज हो रहे तो मैं एक सवाल और आपसे पूछ सकता हूं, जे के एल। हाँ बेटा, बाकी क्वेश्चन और हम करेंगे, पहले समय से कोर्स भी खत्म करना हम लोग, और मैंने प्रॉमिस भी किया कि हम फरवरी में आपको फिर जे के एल नहीं, अब तो मेरे पास पेरेंट्स का कॉल है कि नहीं उस दिन क्लास लेना सर आपको, तो मैं छोड़ नहीं सकता, है ना। और जो बच्चे गाड़ी से आ रहे हैं उनके लिए तो, और उनको बुला के डाउट भी बताना साथ में, जो यार अरे क्या माहौल बना दिया, हाँ जी बता दो, चलो कौन ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, क्यों नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है और यहाँ पे सबके ऑक्टेट पूरे, और यहाँ पर उसके बाद लास्ट आया समझ में, इसमें कार्बन का ऑक्टेट हो रहा है 6। अच्छा इसका मतलब ये होगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन अपना लोन पे डोनेट भी कर सकता है और ये किसी पाइप बॉन्ड को खींच भी सकता है, अगर खींचेगा तो सामने प्लस करेगा और डोनेट करेगा तो सामने माइनस करेगा, डोनेट करने से नाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए डोनेशन पावर होती है इसकी विड्रॉइंग पावर से ज्यादा होती है, मतलब प्लस। आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ये भूल जाओ जो मैंने सब बोला, अभी आगे समझाने वाले, भूल गए ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होता है एक पी ऑर्बिटल से दूसरे पी ऑर्बिटल में, उसको रेजोनेंस या मेजोमेरिज्म कहा जाता है। और रेजोनेंस की वजह से जो इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं बताओ, रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, वैसे रेजोनेंस इफेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस आर और दूसरा क्या होता है माइनस आर। प्लस आर को आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, आर इफेक्ट क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और माइनस को क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कैसे पहचानोगे, सीधा सीधा पहचानने का एक तरीका होता है कि जैसे कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में आपको पहचानना होगी कौन प्लस आर कौन माइनस आर ग्रुप है, तो आपको रेजोनेंस शो करना पड़ेगा, क्या शो करना पड़ेगा बताओ, सो रेजोनेंस। रेजोनेंस करने करते हो जिधर रेजोनेंस का हेड हो, याद रखिएगा वो एरो का हेड हो उस साइड में माइनस आर रहते हैं, और जिधर इसका टेल हो उस साइड क्या रहते हैं बताओ प्लस आर। बस जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन खींचे उसे कहते हैं माइनस आर ग्रुप, और जो डोनेट करे उसे क्या कहते हैं बताओ प्लस आर। या ऐसे भी कह सकते हैं देखो, जो ग्रुप रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे प्लस आर ग्रुप कहा जाता है या प्लस एम ग्रुप कहते हैं, और ऐसे ग्रुप की वजह से जो जलवा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे दिखेगा वो जलवे का नाम क्या होगा बताओ, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। ठीक वैसे यहाँ पर भी कह सकते हैं जो ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की तरफ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करे उस ग्रुप को कहेंगे हम लोग माइनस आर ग्रुप, और उस माइनस आर ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट सामने वाले पर दिखेगा उसे क्या कहेंगे माइनस आर का इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन ही खींचा जाता है, रेजोनेंस में मूवमेंट किसका होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ, ऐसे सुन लो, द ग्रुप व्हिच रिलीज पाई इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज प्लस आर ग्रुप, एंड द इफेक्ट क्रिएटेड बाय प्लस आर ग्रुप ओवर द कंपाउंड इज नोन एज प्लस आर इफेक्ट, एंड द ग्रुप व्हिच अट्रैक्ट्स पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ आर नोन एज माइनस आर माइनस एम ग्रुप, एंड द इफेक्ट क्रिएटेड बाय माइनस एम माइनस आर ग्रुप ओवर द कंपाउंड इज नोन एज माइनस आर माइनस एम। समझ में आ गया, बढ़ जाओ आगे। अब देखो कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका आपके लिए ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, आप तो रेजोनेंस करो, सीधा सीधा रेजोनेंस करो, जिधर आपको इलेक्ट्रॉन जाता हुआ नजर आए हेड हो वो माइनस आर कहलाएगा, जिधर टेल हो वो क्या होगा प्लस आर। हालांकि फिर भी एक ट्रिक है आप चाहे तो यूज कर सकते हैं आपके लिए, अगर कहीं पर लोन पे दिखे, कहीं पर क्या लिखे किसी एटम पर, फर्स्ट एटम पर जो पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम हो फर्स्ट एटम पर ही लोन पे हो और साथ में ऑक्टेट कंप्लीट हो तो पक्का वो प्लस आर का काम करता है। समझ आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो और लोन पे हो तो पक्का क्या होगा प्लस आर हो, माइनस चार्ज हो और ऑक्टेट कंप्लीट हो तो पक्का क्या कहलाएगा बताओ प्लस आर। ये है लोन पे प्लस ऑक्टेट कंप्लीट प्लस आर, माइनस चार्ज प्लस ऑक्टेट कंप्लीट प्लस, जहां भी आप फर्स्ट एटम पे लोन पे देखें मेरा दिमाग लगाया उसे प्लस आर कैसे उलझे ना, सीधे सीधे प्लस आर बोलते हैं। माइनस आर कैसे बताएंगे बेटा, जहां पर आप देखें प्लस चार्ज हो और ऑर्बिटल खाली हो तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और अपने खाली ऑर्बिटल में रख लेगा, इसलिए ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे माइनस आर, प्लस चार्ज एंड ऑक्टेट इनकम्प्लीट, प्लस चार्ज हो वाईसी मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट, उसे कौन सा ग्रुप कहेंगे जो है हम लोग ऐसे कहेंगे माइनस आर। या कहीं पे मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप दिखे, मल्टीपल मतलब डबल ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप दिखे तो इसका मतलब और किनारे वाले एटम का ईएन ज्यादा हो, इसमें ईएन ऑफ टर्मिनल एटम शुड बी ग्रेटर देन ईएन ऑफ सेंट्रल एटम, किनारे वाले एटम से या तो ज्यादा हो या तो बराबर हो जाए कि दोनों मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, जनरली में ज्यादा होता है, जब ज्यादा होता है उसमें क्या होता है जो किनारे वाला एटम होता है ये हमेशा अपनी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ऐसे केस में क्या होता है कि फिर ये जो ए होता है जो बेंजीन से जुड़ा एटम होता है ये बेंजीन के साइड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ऐसे ग्रुप हम कैसा ग्रुप कहते बताओ माइनस आर। पक्का मल्टीपल बॉन्ड हो किनारे वाले एटम का ईएन ज्यादा हो तो किनारे वाला एटम क्या करेगा पाई बॉन्ड को छीन लेगा, सामने क्या दिखेगा प्लस, जैसे सामने प्लस दिखेगा इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। आपकी तीन क्लास मिस है इसलिए सर में दर्द है आपके, समझ में आ रहा है ना, और है आप ऐसे पीते फिर तीन क्लास मिस करने से कॉन्फिडेंस डाउन होता है याद रखिए, और आप अक्सर एब्सेंट हो जाइए क्लास में आपका टेस्ट पेपर में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आता हुआ सवाल भी गलत कर देंगे, एब्सेंट होकर देखिए आने वाले टेस्ट में आपकी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ कंसेप्ट लगा, और ऐसे कम से कम 10 से 15 सवाल गलत करते हैं, 15-20 सवाल आपके सिर्फ मिस्टेक से गलत होते हैं, अगर हम टोटल मिला लें तो केमिस्ट्री के 4-5 और ऐसे बायो के 4-5 बायो के तो ज्यादा होते हैं और साथ में फिजिक्स में 4-5 तो 20 सवाल आपके गलत होते हैं सिर्फ मिस्टेक से, 20 सवाल सही होने लगे तो आपके नंबर 500 से 600 आ जाएंगे, 550 से 650 आ जाएंगे, 650 से 750 नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि तब आप सिर्फ मिस्टेक कम करते तब 20 हो गए नहीं मिस्टेक, है ना। इधर देखिए मेथड, अच्छा प्लस आर ग्रुप हम कैसे पहचानेंगे, प्लस आर की एग्जांपल मैंने लिख रखे, देखो पहचानने का तरीका बता दिया हूं। हेलो, अच्छा ये प्लस आर की कुछ हमने एग्जांपल लिख रखे हैं और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो ये पहला आइटम माइनस आर ऑक्टेट पूरा, माइनस आर ऑक्टेट पूरा, इनके पहले आइटम पे लोन पे प्लस ऑक्टेट क्या है पूरा,
इसमें हमने इनको पहले क्यों रखा, याद रखिएगा, जो जो ताकतवर ग्रुप है कैसे पहचानेंगे, तो कभी भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद जिसको कष्ट कम होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर उसकी क्या होती है, और जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद कष्ट में रहता है उसका डोनेशन पावर थोड़ी क्या हो जाती है कम, बहुत सीधा सीधा फैक्टर। अब जैसे अगर किसी की पावर आपको देखनी है तो आप उसको बेंजीन से जोड़ दो, जैसे आपको देखना है किसके इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा है, OH की ज्यादा है या NH2 की, तो दोनों को बेंजीन से जोड़ दो, ठीक है, और दोनों में रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होकर तो ये रेजोनेंस के बाद ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई, ऊपर प्लस आएगा, तो वो थोड़ा ज्यादा पछताएगा यार फोकट में इलेक्ट्रॉन डोनेट, और यहाँ पर NH2 जो है ये इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो इसके पछताने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाए, तो थोड़ी कम, तो प्लस आर की जो है इसकी क्षमता क्या होती है ज्यादा होती है। नेक्स्ट, अगर हम और आगे बढ़े, यहाँ पर NH पर माइनस हो तो NH माइनस की इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर जो होती है, याद रखिएगा, इसकी डोनेशन पावर जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि डोनेट करने के बाद इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसकी बीमारी खत्म होगी, बल्कि तो चाहता है चला जाए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज बीमारी है, चार्ज आने से एटम बीमार रहता, चार्ज बीमारी चली जाएगी तो लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसकी डोनेशन पावर सबसे क्या होगी बताओ, आया समझ में आपको क्या चीज बेटा, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ भी कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ भी कार्बन पे नेगेटिव, तो नेगेटिव तो हर जगह कार्बन पे आ रहा है, तो सब में कार्बन वाली फीलिंग तो सेम है, लेकिन दूसरे आइटम की फीलिंग अलग अलग, इसमें वो ज्यादा पछता रहा है, एन कम पछता रहा है, वो एन एकदम कम पछता रहा है, तो अब बेचारा कार्बन तो एक ही टाइप का है, तो ये फर्क पड़ गया इसके, आया समझ में, एक और बात रुके, बातें नहीं, पता नहीं ऐसी कौन सी दोस्ती है जो आप लोग निभाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको मिटाने से खतरे खाली नहीं, मतलब ऐसे मिटा देता, देखें जैसे मैंने ऑर्डर में एक ऑर्डर लिख रखा OH और ये OCO CH3, इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा होगी, इस OH की ज्यादा होगी या OCO CH3 की ज्यादा होगी, OH की ज्यादा। इसका पहला कारण कि ऊपर जो प्लस आएगा, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर ऊपर प्लस आएगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप जुड़ा, ये इलेक्ट्रॉन खींच के कैटायन को और अनस्टेबल करेगा, तो ये मुश्किल काम है। और दूसरा काम ये भी है कि ये O- का इलेक्ट्रॉन ये कभी कभी राइट साइड भी रेजोनेंस करता, O का प्यार बटा हुआ है, समझ में आ गया, राइट और लेफ्ट दोनों, तो बेंजीन को इसकी क्या करता है बताओ, ध्यान से देखा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर इसकी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती। एक और बात बता दें, किसी भी मॉलिक्यूल की असलियत कहां दिखती है हाइब्रिड में, अगर इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो यहां पर इसका जो रेजोनेंस इधर से इधर जाता है डेल्टा प्लस आएगा, और यहां उस प्रकार का डेल्टा प्लस है नहीं आएगा, टर्न आ गया, तो इसकी डोनेशन पावर क्या होती है ज्यादा और उसकी डोनेशन पावर क्या होती है कम, ये मैंने कुछ ऑर्डर जो लिखा था ये जस्टिफाई लगभग हो रहा है, ये CH2- माइनस वाले सारे आगे हैं, फिर कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फिर वो वाले हैं जिनके प्यार बटे हुए हैं, समझ आ गया, राइट और लेफ्ट, इसलिए बेंजीन को इलेक्ट्रॉन कम देते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन बटे हैं, और हैलोजन तो होता है फ्लोरीन, तो ईयन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहिए, और बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन तो ज्यादा बड़े साइज की वजह से नहीं दे पाते इलेक्ट्रॉन, तो ये है आपके प्लस आई का ऑर्डर। यहाँ पर शायद आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन है कि वाई एफ माइनस इज बेटर प्लस आई प्लस एम ग्रुप देन आई माइनस, इसमें अगर ताकत की बात किया जाए, एक क्वेश्चन आप लिखेगा वाई एफ माइनस एफ इज बेटर वाई एफ y प्लस एम नेचर या इफेक्ट ऑफ f इज मोर देन i, बताएंगे आप लोग क्या उससे क्या होगा, एक मिनट, स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देगा, यस यस, देखो ये बहकाने वाला तरीका, आप लोग मुझे बहका रही सोचते कहीं इनको आता है नहीं आता, लेकिन मेरे को आता है, तो आप लोग जो बता नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत मजा आता है जब आप इसका रेजोनेंस करती हैं, तो फ्लोरीन पे देखो ऐसे फ्लोरीन पे आता है प्लस चार्ज, ठीक है, फ्लोरीन जनरली प्लस बर्दाश्त नहीं कर पाता पर फिर भी बर्दाश्त करता है, कर लेता है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा, इसमें कार्बन का ऑर्बिटल जो होगा और वो फ्लोरीन के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसे बॉन्ड बना, लेकिन जब यहाँ पर आप बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर अगर आप आई लेंगे बेटा, तो आई जो होता है ये ईएन तो इसका कम होता है, ये देना तो चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है, परंतु ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही, इसका जो ये पी ऑर्बिटल्स है इसके खाली पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं कर पाता, क्योंकि ये टू पी ऑर्बिटल है, ये फाइव पी ऑर्बिटल्स, 5p ऑर्बिटल पांचवें फ्लोर पर है, 2p ऑर्बिटल सेकंड फ्लोर पर है, आपको अपने दो से हाथ मिलाना हो, पांचवें फ्लोर पे खड़ी हो और आप दूसरे फ्लोर पे खड़ी हो तो हाथ मिला पाएंगे, लेकिन हाँ आपके दोस्त अगर सेकंड फ्लोर पे खड़ी है, आप भी सेकंड फ्लोर पे हो तो उसे हाथ बढ़ा के हाथ मिला सकते हैं, तो क्या हुआ, इधर देखो बेटा, इधर ऐसे आप पेपर पे तो बना सकते हो, बट रियल में ऐसे संभव नहीं होता, बहुत टफ होता है, क्यों सब टफ होता है, क्योंकि कार्बन की साइज बहुत बड़ी है, ये कार्बन की साइज बहुत छोटी है और आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, और दोनों के जो ऑर्बिटल पहले सिग्मा बॉन्ड के बीच बना होगा, और फिर इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, इसका ऑर्बिटल जो पी और फाइव पी ऑर्बिटल है और इसका जो है आपका टू पी ऑर्बिटल है, तो टू पी ऑर्बिटल फाइव पी ऑर्बिटल की डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, और रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन तो तभी आएगा जब ऑर्बिटल ओवरलैप करती है, ऑर्बिटल इसे ओवरलैप करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, आया समझ में, इसीलिए आई माइनस की प्लस आई क्षमता जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, आई माइनस की प्लस आई क्षमता, आई माइनस की प्लस आर क्षमता कम होती है, और एफ की प्लस आर क्षमता क्या होती है ज्यादा, एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी दे तो देता है ऑर्बिटल ओवरलैप करा के, लेकिन वो दे ही नहीं पाता, ये रीजन है, बाकी माइनस आर नेक्स्ट डे एक बार इस पे हम चर्चा कर लेंगे, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, जिसका क्वेश्चन नहीं दिया आपको मैं, छोड़ो ये क्वेश्चन दे दूंगा आपको, ये क्वेश्चन लिख के लेना, कौन प्लस आर है कौन माइनस आई है, इनका प्लस आई और माइनस आई नेचर लिख के आना, ओके, आज मैंने